अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, ईद की खुशियाँ मुबारक हो, ईद उल फितर मुबारक हो। दिल की गहराई से, समीम कल्ब से आप सब तमाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं जाने के आप लोगों को ईद मुबारक। माशाल्लाह, ये मेरे फर्जन है, इनकी जानिब से भी आपको ईद की मुबारकबाद पेश की जा रही है। एक हदीस शरीफ हुआ समात फरमाए, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्हें शुक्र की अदा करने की तौफीक मिली उसे ज़्यादा नेमतें अता होगी, जैसा कि फरमान इलाही है, लाइन शकर तुम लाजीदन नकुम, मेरे मुझे याद करो, मेरा शुक्र अदा करो, तुम्हें ज़्यादा अता किया जाएगा। ये अल्लाह फरमा रहा है, मेरा शुक्र अदा करो और तुम्हें ज़्यादा अता किया जाएगा। तो शुक्र अदा करने वाले को कम नहीं बल्कि उसे नेमतें ज़्यादा मिलेगी, उसकी नेमतों में इजाफा होगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नेमतों में इजाफा अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए। जैसा कि और एक हदीस में है, जिन्हें शुक्र करना नहीं आता, छोटी नेमत पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा नेमतों पर क्या शुक्र अदा करेगा। और एक रिवाज कि जो बंदों का एहसान नहीं मान सकता, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करेगा, फिर वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र गुजार वाला बंदा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।